सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल इंट्राडे गाइड को, बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए। हे गाइस, स्वागत है आपका इंट्राडे गाइड पे। मैं हूँ आपका दोस्त शिवान वसीन। तो आज हम बात करेंगे कि बटरफ्लाई पैटर्न बना है सन फार्मा के अंदर, तो क्या अपसाइड बाकी रहेगी कि अब डाउन साइड शुरू हो गई है। तो बटरफ्लाई पैटर्न है कौन सा? तो बहुत से ऐसे पैटर्न है जिसकी हम बात करते हैं, जैसे गाटले हो गया, साइफर हो गया, बटरफ्लाई हो गया, ए बी इक्वल्स टू सी डी पैटर्न हो गए। तो बहुत से ऐसे पैटर्न है जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि इस पर्टिकुलर स्टॉक पे अब डाउन साइड शुरू होगी या अपसाइड शुरू होगी, और इस लेवल से यहाँ पर गिरावट आना शुरू होगी। तो वो कैसे पता चलता है? वो पैटर्न हमें बताते हैं। तो मैं आपको अभी बटरफ्लाई के बारे में बताता हूँ कि बटरफ्लाई पैटर्न बनता कैसे है। तो चलते हैं बटरफ्लाई पैटर्न की तरफ, फिर हम चार्ट में जाएंगे सन फार्मा के और आपको दिखाऊंगा कि बटरफ्लाई पैटर्न बना कैसे है। तो गाइज यहाँ पर हम आ चुके हैं, यहाँ पर मैंने अभी पेंट ओपन करके रखा हुआ है। यहाँ पर आपको मैं दिखाऊंगा कि कैसे बटरफ्लाई पैटर्न बनता है किसी पर्टिकुलर स्टॉक पे और या कोई इंडेक्स पे। तो इंडेक्स पे बनना थोड़ा मुश्किल है, पर हम पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में रिसर्च कर सकते हैं। तो ड्राइंग के ऊपर मत जाइएगा और आप सिर्फ देखिएगा कि बटरफ्लाई पैटर्न बनता कैसे है। ये देख सकते हैं कि ये एक पहले हम कह सकते हैं कि गिरावट आई थी, उसके बाद इसने एक बाउंस बैक दिया इस लेवल पे। बाउंस बैक देने के बाद जब वो उसने वापस अपनी गिरावट शुरू करी, तो जो इसका प्रीवियस हाई, जो इसका प्रीवियस लो था, उस प्रीवियस लो को इसने नहीं तोड़ा था। अब देख सकते हैं इसने गिरावट शुरू करी, ये फिर ऊपर की तरफ अपसाइड की तरफ चला गया, उसने अपने प्रीवियस लो को क्रॉस नहीं करा। अब देख सकते हैं ये इसने प्रीवियस लो को क्रॉस नहीं करा। अब यहां से जो ये अपनी मोमेंटम देगा वो ऐसे देगा, ये होगी इसकी मोमेंटम। मतलब हम कह सकते हैं कि आप देख सकते हैं ये होता है, आप देख सकते हैं इसने एक डाउन साइड दिखाई पर्टिकुलर स्टॉक ने, फिर थोड़ा एक बाउंस बैक दिया अपसाइड की तरफ, वहां से फिर हमने एक गिरावट आते हुए देखी। प्रीवियस लो को इसने नहीं तोड़ा, उसके थोड़ा सा ही डाउन साइड दिखाई, वहां से इसने एक शार्प अपमूव दी, और जो इसका प्रीवियस हाई था जहां से इसने गिरावट तोड़ी शुरू करी थी, उस हाई को तोड़ के ये ऊपर चला गया। अब हम कह सकते हैं इसमें बटरफ्लाई पैटर्न कैसे बना, तो वो भी आपको दिखाया जाता है। आप ऊपर वाले हाई को, ये जो आपका ऊपर वाला हाई है, उसको इसमें आप टेस्ट करिएगा, इसको टच करिए, ट्रेंड लाइन बनाइएगा, और यहां से आप इसका ट्रेंड लाइन बनाइएगा। दोनों को आप जब जोड़ेंगे, ये आप देख सकते हैं, तो आप यहां देख सकते हैं कि यहां पर एक बटरफ्लाई बनती हुई आ रही है, जो आपको बता रही है कि ये एक बटरफ्लाई पैटर्न शो कर रहा है। तो आपको एक बार मैं वापस बता देता हूं, अगर कोई पर्टिकुलर डाउन ट्रेंड में है कोई पर्टिकुलर स्टॉक, उसने एक अपमूव दिया है, अपमूव देने के बाद उसमें एक वापस एक करेक्शन आया, पर वो करेक्शन उसे लो की तरफ लेकर नहीं गया, लो को उसने टेस्ट नहीं करा, और उसके ऊपर जाके इसने एक अपमूव दे दी बहुत अच्छी, जिसने जो उसका प्रीवियस हाई था उसको भी तोड़ दिया। अब हमें पता लगेगा कि यहाँ से इसमें गिरावट कैसे आनी है। तो अब हम इसके लिए यूज करते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट का लेवल और ट्रेंड एनालिसिस। ट्रेंड एनालिसिस के थ्रू और फिबोनाची के थ्रू हम पता लगाते हैं कि कोई पर्टिकुलर में पैटर्न बना है तो वहां की अपमूव और डाउन साइड कितनी बरकरार है। तो बढ़ते सन फार्मा की तरफ, आप इसमें समझ गए होंगे। तो गाइस ये हमने सन फार्मा का चार्ट ओपन करके रखा है, और इस सन फार्मा के चार्ट में आपको कुछ ऐसा डेली चार्ट ओपन करना है और आपको कुछ ऐसा डब्ल्यू तरीके का पैटर्न दिखेगा। अब हमें इसमें यूज करना है अपना ट्रेंड लाइन एनालिसिस। ट्रेंड लाइन एनालिसिस में हम जाएंगे और पहले एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। तो आपको ये देखना है, ये इसने एक गिरावट दिखाई, गिरावट दिखाने के बाद इसने एक अपमूव दिखाई, अपमूव के बाद इसने वापस एक करेक्शन लिया थोड़ा सा, उसने अपने बॉटम को नहीं तोड़ा, जिसने बॉटम बनाया था, और उस बॉटम के बाद इसने और शार्प मूव आते हुए देख ली। ये शार्प मूव आती है तो हम कैसे कह सकते हैं कि बटरफ्लाई पैटर्न है। हम इसका जो हाई था इसको इसमें जोड़ेंगे और इसको फिर जो इसने गिरावट जहां से शुरू करी थी,
अब ये बन गया एक तरीके का बटरफ्लाई पैटर्न। अब हमें बताना है कि ये कितनी ऊपर तक जाएगा कि हमारा बटरफ्लाई पैटर्न जो यहाँ शो कर रहा है वो कंप्लीट हो जाए, और कौन से रिट्रेसमेंट लेवल को जाके वो टेस्ट करके गिरावट दिखाएगा, जिसका टारगेट और स्टॉप लॉस मैं आपको फिबोनाची के थ्रू ही सजेस्ट करूंगा। तो अभी हम ये ट्रेंड लाइन हटा देते हैं और इसके बाद आपको अपने फिबोनाची बना के दिखाता हूँ। अब हम चलते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट में, वहां पर मैं आपको इसके फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल से समझाऊंगा कि कैसे बन गया है। तो आइए यहाँ पर देखिए, मैंने ये अपना ड्रॉ कर दिया है। इस ड्रॉ पे करने के बाद फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ कर दिया है। अब आप देख सकते हैं कि जो 161.8% का रिट्रेसमेंट लेवल होता है, जब उसको ये हाई टेस्ट करता है तो हम कहते हैं कि हाँ अब हमारा जो बटरफ्लाई पैटर्न है वो कंप्लीट हो गया है। तो बटरफ्लाई पैटर्न को वापस कंप्लीट करने के लिए हम चलते हैं वापस ट्रेंड लाइन की तरफ। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको इसने टेस्ट करा, यहाँ पर आ गया। तो ये इसका वो पॉइंट होगा कि जिसे वो बटरफ्लाई पैटर्न कंप्लीट माना जाएगा। तो अब जो ऊपर की तरफ अपमूव दिख रही है हमें, यहाँ पर इसने 560 का एक हाई बनाया है। ये देख सकते हैं 138.2 रिट्रेसमेंट लेवल जो है वो इसने आज अपनी क्लोजिंग बेसिस में दी है। तो अब हम कह सकते हैं कि अगर ये 152 के नीचे जाता है तो हमारा बटरफ्लाई पैटर्न कंप्लीट नहीं होता और जो इसके डाउनसाइड लेवल होंगे वो अच्छे खासे होंगे। बटरफ्लाई पैटर्न को कंप्लीट करने के लिए इसे जो लेवल है 570 को टेस्ट करना पड़ेगा। 570 168.8% का रिट्रेसमेंट लेवल है जिसे वो टेस्ट करेगा सन फार्मा, और वहां से हमें करेक्शन आते हुए देखेंगे। अब करेक्शन आएगी तो हमें स्टॉप लॉस का मेंटेन करना है। स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है 570 के ऊपर, आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा। टारगेट्स आपको कैसे मिलेंगे अब आपको वो बताया जाता है। अब ऑप्शन ट्रेंड लाइन एनालिसिस में आ गए हैं। तो यहाँ पर आपका जो पहला टारगेट होगा, जिस लो से इसने गिरना शुरू करा था, जो लो आपको 100% का रिट्रेसमेंट लेवल दे रहा है 524, तो ये हमारा होगा पहला टारगेट। अब हमारा दूसरा टारगेट क्या होगा, ये टारगेट होगा दूसरा टारगेट हमारा, जहां से इसने एक वापस शॉर्टफॉल दिखाई थी और वहां से हमने एक डाउनसाइड आते हुए देखी थी। और नेक्स्ट टारगेट जो हमारा होता है वो होता है लो के नीचे, जो कि होता है 450। ज्यादातर हम कहते हैं कि जो पर्टिकुलर स्टॉक होता है बटरफ्लाई पैटर्न बनाता है वो इस लाइन के नीचे नहीं जा पाता और यहाँ से एक अपमूव दे देता है वापस। तो ये हम अपना एक टारगेट मान के चलते 500 का जो लेवल होगा जिसे वो टेस्ट करेगा, और अगर इसके नीचे जाता है तो हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा वो 450 का जरूर होगा। और बटरफ्लाई पैटर्न ज्यादातर पैटर्न इस टेस्ट को भी जरूर कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। तो ये बटरफ्लाई पैटर्न का जो मैंने आपको सजेस्ट करा है, ये अपने रेजिस्टेंस 161.8% के रिट्रेसमेंट लेवल में आता है 570 के आराम। वहां से आप ये शॉर्ट एक अपॉर्चुनिटी बनाइए। शॉर्ट एक अपॉर्चुनिटी आप अगर आप 2 हफ्ते के लिए भी बनाते हैं, 3 हफ्ते के लिए बनाते हैं, तो आपको ये अच्छे खासे लेवल्स अचीव कराने वाले टाइम में देखने को मिल सकता है। एक खास बात आपको मैं और बताना चाहूंगा, उसे आप ध्यान से जरूर रखिएगा, इस लेवल को टेस्ट करने के बाद ये एक शायद इस लेवल के ऊपर बाउंस बैक जरूर देगा। बाउंस बैक देगा वहां पर आपको नहीं आपको शॉर्ट करना, आपको देखना है कि इसके लेवल के बाद भी ये ऊपर की तरफ बाउंस बैक देता है नहीं देता है। अगर ये बाउंस बैक देता है तो चिंता की बात नहीं है, वहां से वो करेक्ट होकर वापस 570 के लेवल में जरूर आएगा। चाहे 2 दिन लग जाए पर उस करेक्ट के लेवल इस सपोर्ट का जो 570 इसने बनाया होगा उसको वो टेस्ट जरूर करेगा, वहां से हम करेक्शन आते हुए देखेंगे। तो हमारे लिए वो टाइम होगा जब नीचे आएगा तब हमें बाय कर शॉर्ट करना होगा इस पर्टिकुलर स्टॉक को, और हम बहुत अच्छी खासी अपसाइड या डाउनसाइड में प्रॉफिट्स कमा सकते हैं। तो ये कुछ बटरफ्लाई पैटर्न थे, और भी कुछ पैटर्न थे, गार्टले पैटर्न, साइफर, ए बी कोस टू बी सी डी मेजर्ड पैटर्न होते हैं, बहुत तरीके के पैटर्न होते हैं, वो आप सबको सिखाया जाएगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो मुझे इस वीडियो को लाइक करके मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये एक जो मैंने आपको पैटर्न सिखाया है बटरफ्लाई पैटर्न आपको कैसा लगा। आप कुछ पर्टिकुलर स्टॉक्स का रिसर्च करिए, दिखाइए कि आपको बटरफ्लाई पैटर्न बनते हुए दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, और मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज करिए सर इस पर्टिकुलर कंपनी में बटरफ्लाई पैटर्न डेली या वीकली चार्ट में बना, मैं आपको उस स्टॉक को ऑब्जर्व करूंगा और उसके बाद आपको खुद बताऊंगा कि सर आप करेक्ट थे, आप बन करके सीख रहे हैं। तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, 1000 सुपर के एम के लाइक रख रहे हैं। तो देखते हैं कि मेरे व्यूअर्स 1000 सुपर लाइक्स दे पाते हैं नहीं दे पाते हैं। और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो अभी सब्सक्राइब करिए, जिससे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपके साथ स्टॉक मार्केट में हर दिन शेयर करता हूं। तो मैं शिवांश बस्सी मिलता हूँ आपसे कल नई वीडियो के साथ। सही